الذين اصطفى أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم इस्लामी 12 महीनों में 7वां महीना ये रजब का महीना और रजब के महीने की अहमियत रोजे अजल से ही रही। जिसको कुरान करीम में बयान फरमाया मिन्हा अरबातुन हुरुम, चार हुरमत वाले महीने, ये चार हुरमत वाले महीने कौन से हैं? ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रमुल हराम, ये तीन महीने एक साथ हैं। इसमें अरब हज किया करते थे, लूट खसूट मार पीट एक दूसरे पर हमला बंद, अमन अमान रहता था। और एक महीना रजब का रखा था। इस बिना पर कि इस महीने में अगर कोई उमरा वगैरह करना चाहे तो आफियत के साथ कर सके, इस महीने में किसी पर हमला नहीं होता। रजब को रजबे मोगर भी कहते हैं। अब तो रजबुल मुरज्जब हो गया, पहले रजबे मुदर कहते थे। कबीले मुदर वाले जो है वो इस महीने का बड़ा एहतराम करते थे। इस बिना पर रजबे मुदर कहलाए। यही वो मुबारक महीना है कि जिसमें आकाए नामदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया गया। हमने 27 रजब मेराज की तय कर ली। 27 रजब को मेराज है, हालांकि इसकी तारीखों में काफी इख्तिलाफ रहा है। इसलिए 27 को कोई खास आमाल अंजाम देना हदीस में मरवी नहीं। अगर 27 को मेराज हो भी तो इसकी अहमियत जिस साल हुजूर को मेराज में बुलाया गया वही है, उसके बाद नहीं है कि उसे हर साल मनाया जाए। और मनाए जाने की तो कोई रिवायत नहीं।
मस्जिद के अंदर चिरागा करना, रोशनियां बढ़ाना, इसकी भी कोई हैसियत नहीं, इसका कोई सबूत हदीस से नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हिजरत से पहले हुई है। कौन सी सन में हुई मेराज, इसमें भी इख्तिलाफ है, सन का भी इख्तिलाफ है, तारीखों का भी इख्तिलाफ है। लिहाजा कोई मखसूस दिन को सिलेक्ट करके उसके अंदर मेराज मनाना, मेराज मनाना क्या है, बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मखसूस है कि आपको एक खास शर्फ अता किया गया है। शैबे अबी तालिब की जो तकलीफें थी वो खत्म हुई, फिर अबू तालिब इंतकाल कर गए, फिर हुजूर का बड़ा सहारा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चल बसी। फिर उसके बाद हुजूर ने सोचा कि मक्के में तो कोई मदद दीन की करने वाला है नहीं, चलो मैं बाहर से किसी से मदद लूं कि कोई दीन की नशर व इशाअत में मेरा मददगार बने, तो आप ताइफ तशरीफ ले गए। उम्मीद यह थी कि ताइफ वाले मदद करेंगे, लेकिन इसके बरअक्स इंतहाई दर्जे की तकलीफें और अजियतें हुजूर को ताइफ में हुई हैं। हुजूर ने फरमाया जो तकलीफें ताइफ में हुई किसी जगह नहीं हुई। ये तमाम तकलीफें हो चुकी और हजरत खदीजा और अबू तालिब के इंतकाल के बाद इंतहाई दर्जे की अजियतें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई, तो अल्लाह ने बतौर तस्कीन के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर पर बुलाया। आप उन्होंने हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में थे, ये चचाजात बहन हैं आपकी और अबू तालिब की बेटी, रात को सोए थे रो रो कर अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह मेरा कोई मददगार हो जाए, मेरी दीन की मेहनत में कोई साथ देने वाला बन जाए और कोई मेरी बात का मक्के में सुनने वाला बन जाए। आहोदारी के बाद सोए थे कि आधी रात को मेराज में अल्लाह ताला ने अपने यहां बुलाया। और आसमान और उससे आगे शरीफुल अकलाम तक की तमाम जगहों और मकामात की सैर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराकर आपका मर्तबा और आपका मकाम कितना आलीशान है ये बताया, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को दूर फरमाया। कुरान करीम में है سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا। क्यों बुलाया सरकार को, वहां की और आलम मलकूत की तमाम कुदरती निशानियां देखने के लिए और दिखाने के लिए, लेनूरी उमिन आयातिना, ताकि हम हमारी कुदरत की निशानियां आपको दिखाएं, इसलिए सरकार को बोले। मेराज के मौके पर क्या तोहफे मिले, क्या नेमतें उम्मत को मिली। हक्ताला शानू ने पूछा क्या लाए मेरे महबूब, क्या लाए। अल्लाह की जात बेनियाज है दुनिया के ये तोहफों से,
को जरूरत नहीं है तमाम चीजों की, उसको तो उसकी तारीफ की जरूरत है, उसकी हमद और सताइश करने वाला कोई चाहिए। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लाया हूं अत्तहियातु लिल्लाहि वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैह। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तमाम कौली इबादतें, तमाम बदनी इबादतें, तमाम माली इबादतें अल्लाह के लिए। अल्लाह जितनी इबादतें हम करते हैं वो सब तेरे लिए। अल्लाह ने फरमाया बड़ा तोहफा लेके आए, तहियात भी मेरे लिए, तय्यबात भी मेरे लिए, सलावात भी मेरे लिए। तो अब मेरा तोहफा सुनो जरा, मैं क्या देना चाहता हूं तुम्हें। फरमाया सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सलामती हो ऐ नबी आप पर और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हो आप पर। याद आ गई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत, तो आपने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये है तहियात जो हम लोग कादे में भी पढ़ते हैं, कायदे अखीरा में भी पढ़ते हैं। उसकी हकीकत यह है कि ये मेराज के मौके पर अल्लाह के दरबार में तोहफा पेश किया, तो अल्लाह ने भी सरकार के नाम तोहफा पेश किया। सरकार उम्मत को ना भूले और उम्मत के ऊपर भी सलामती और बरकात की दुआएं फरमाई। आज उम्मत हुजूर को हर जगह भूल जाती है, न नमाज में याद रखती है, न सुन्नतों में याद रखती है, न शादियों में याद रखती है, न मौत में याद रखती है। सब सुन्नतों को बालाए ताक रखकर हुजूर की मोहब्बत का जरा भी पास व लिहाज नहीं करते हम। एक तोहफा तो यह हुआ, दूसरा तोहफा अल्लाह ताला ने 50 नमाजों का अता फरमाया कि जाओ और उम्मत को ये 50 नमाजें दे दो। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीच में हाइल हुए और कई मर्तबा अल्लाह ताला के पास भेजा कि इतनी नमाजें उम्मत अदा नहीं कर पाएगी, 5 नमाजें रह गई तो फिर अल्लाह के दरबार में जाने की हिम्मत नहीं हुई। और ये 5 नमाजों का हदिया और तोहफा लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहने वालों ने कहा कि अगर मेराज का मजा लेना है और मेराज को समझना है तो नमाज के पाबंद बन जाओ। अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज ये मुमिनीन की मेराज है, हदीस नहीं है लेकिन बात सही है कि जब आदमी खड़ा होता है नमाज में तो इस तसव्वुर के साथ कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, जैसे सरकार मेराज पर रुयत बारी के लिए और अल्लाह जल्ला शानहु के दीदार के लिए बुलाए गए। नमाज में मेराज की हकीकत ईमान वाले के सामने आती है, वो भी अल्लाह के सामने खड़ा होकर ये अर्ज करता है कि मैं तेरे दरबार आलीशान के अंदर खड़ा हूं,
और जबीने नियाज झुकाए हुए हूं और अदब के साथ तेरे सामने खड़ा। अगर मेराज को याद ही करना है, याद करने का एक ही तरीका है कि हम नमाजों के पाबंद हो जाए। लेकिन हमारा काम जरा उल्टा है। मेराज की रात में नमाजों पे नमाजें पढ़ते हैं और दमादम पढ़ते हैं और फजर की नमाज से जो गायब हुए तो शबे बरात तक नजर नहीं आते। उस वक्त कहना पड़ता है कि खाली शबे मेराज में नमाज नहीं पढ़नी है, नमाज तो पूरी जिंदगी पढ़नी है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ। अल्लाह की इबादत मौत तक करना है। यहां यकीन के माने मौत, मौत भी चूंकि यकीनी चीज है, आके रहेगी, डेफिनेट चीज है। दुनिया में बहुत सी चीजों का इनकार किया गया है। करने वालों ने मजहब का इनकार किया, करने वालों ने नबियों का इनकार किया और करने वालों ने अल्लाह का इनकार किया, लेकिन किसी इनकार करने वाले ने मौत का इनकार नहीं किया। मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी। जब मौत आने वाली है तो मौत की तैयारी नमाज के जरिए से कीजिए, क्योंकि आखिर में नमाज पढ़ी जाएगी, हमारी अजान कही जा चुकी, हमारी इकामत पैदाइश के वक्त कही जा चुकी, अब हमारी नमाज बाकी है। वो नमाज पढ़ी जाए उससे पहले नमाजों के पाबंद बन जाओ और पुख्तगी के साथ नमाजों का पढ़ना तय कर लो। अपनी कब्रों को रोशन बनाओ, अपने घरों को रहमत वाले बनाओ, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाओ और नमाजों के जरिए से जन्नत के मुस्तहिक करार पाओ और कब्र की वसात और सवालों की आसानियां नमाज में तलाश करो। ये दो नेमतें हो गई। तीसरी चीज दी खवाती में सूरतुल बकरा। मेराज के मौके पर, खास मेराज की रात में किस्से मेराज बयान करना और पूरा साल नमाजें छोड़ के बैठे रहना, यह कोई अच्छा तस्करा नहीं है। इससे उलमा ने मना फरमाया। मेराज का वाकया तो मौका ब मौका उम्मत के सामने आना चाहिए, क्योंकि अनोखा और निराला वाकया है, हमारे सरकार का अजूबा और मौजिजा है, तो इसको तो बार बार बयान करना है और उसके अहम असबाक हमारी जिंदगी में सामने होने चाहिए। तो सूरह बकरा की आखिरी आयत हदीये में और तोहफे में अल्लाह की तरफ से मिली है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफिरीन। इसको पढ़ा करो, इसकी तिलावत किया करो। यह नेमत अल्लाह ने अता फरमाई। और रजब का महीना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही चांद देखते दुआ शुरू फरमा देते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान
ऐ अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा, हमें उम्र अता फरमा, हमारी जिंदगी में बरकतें अता फरमा, हमें इबादतें करने की तौफीक अता फरमा। और टारगेट हमारा ये है कि इबादतों की बहार का महीना रमजानुल मुबारक आ रहा है, वो मुबारक महीना हमें अता फरमा ताकि हम इबादत कर सकें, खूब आगुजारी कर सकें, अपनी मग़फ़िरत का सामान कर सकें। तो रजब से रमजान के मिलने की दुआ की, इसलिए नहीं कि रमजान में समोसे और पराठों की बहार आ जाएगी, बल्कि रमजान में इबादतों की बहार आ जाएगी। तरावी के बाद चांपा बाजार का एहराम, रामदेर का एहराम, लाजपुर का एहराम बांधना छोड़ो और मस्जिद में जगा दो और घरों के अंदर इबादतें करो और अपने घर वालों को नमाज की तलकीन करो। घर में क्या कम समोसे और पराठे हैं और आइसक्रीम है कि वहाँ बाजार में जाते हो। निगाहों का भी मसला होता है, शहरी का भी मसला होता है, इबादतों का भी मसला होता है, और जो नूर तरावी में हासिल हुआ वो तमाम जाया हो जाता है। मत जाया करो अपनी इबादतों की शान को, मत जाया करो अपने औकात को। रमजान का एक एक लम्हा कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। तिलावत कुरान कसरत के साथ करो। रमजान का महीना कुरान का महीना है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। और रमजान में बेहतरीन दो इबादतें अता फरमाई, दिन को रोजा अता फरमाया, रात को तरावी अता फरमाई। रमजान को इबादतों के लिए फारिग कर डालो, जितने एक्स्ट्रा काम है वो तमाम खत्म कर लो। मोबाइल का गला दबा दो, खत्म करो इसको, बंद कर दो एक महीने के लिए, अनअवेलेबल हो जाओ और बस इबादतों के लिए अपने आप को अवेलेबल कर दो। ये तीन चीजें हो गई और चौथी एक चीज के बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह ने हुजूर से वादा फरमाया कि जो शिर्क न करे और अल्लाह पर ईमान के साथ जिंदगी गुजारे और मुवहिद हो और तौहीद वाली जिंदगी गुजारे एक अल्लाह पर यकीन के साथ, ऐ नबी मैं ये वादा करता हूं कि उसको जन्नत में जगह अता करूं। क्या खूब चीजें लेकर आए सरकार के एहसानात का, हम बदला नहीं चुका सकते। इतना उम्मत को दिया है, सवाल यह है कि उम्मत ने सरकार के क्या हुकूक अदा किए हैं, क्या दिया है हमने सरकार को। न हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, न नमाज जैसा तोहफा सरकार मेहनतों के साथ और कुर्बानियों के साथ लाए और आसमानों पर बुलाकर यह इबादत दी उसकी कदर नहीं करते। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, नमाजों का पाबंद बनाए, सरकार को हमारी तरफ से जदाए खैर बेहतरीन बदले अता फरमाए। हजरत मौलाना इलियास साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने हमें हुक्म दिया था कि यहाँ जुमा के अंदर बयान किया जाए। इत्तेफाक से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह निकाह भी दो दो हैं और हाजिरी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से कबूल फरमाए और अपना फजल फरमाए, हमें महीनों की कदर नसीब फरमाए और माह रमजान अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।